नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में, कस्टम ऑक्शन के बारे में। इसके अलावा हम ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने रिसेंटली एक नया पॉडकास्ट शो भी शुरू किया है, जिसके अंदर मैं हर संडे को आपके लिए एक पॉडकास्ट शो लेके आता हूँ, जिसमें मैं अच्छे अच्छे बिजनेसेस के फाउंडर्स, ओनर्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों को लाने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ एक अच्छा सा डिस्कशन करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले और मुझे भी कुछ सीखने को मिले। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक कस्टम ऑक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि 11 तारीख और 12 तारीख को होने वाला है दिल्ली तुगलकाबाद पोर्ट में। तो इस ऑक्शन में क्या क्या चीज़ें आई हुई, क्या डिटेल है, क्या ऑक्शन डेट है, क्या इंस्पेक्शन डेट है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह के अच्छे अच्छे बिजनेस रिलेटेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो बिना वेट करते हुए सीधा मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या क्या आइटम है, क्या डिटेल इस बार इस ऑक्शन में होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ला चुका हूं और दिखाता हूं कि क्या डिटेल होने वाली है। देखिए, जो ऑक्शन है इसका जो इंस्पेक्शन डेट है, यह है आपका 11 तारीख और 12 तारीख, यानी 11 तारीख को इंस्पेक्शन शुरू होने वाली है, 12 तारीख को इंस्पेक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो बिडिंग वाली डेट है वो है 13 तारीख को, सुबह 11 बजे शुरू होगी, दोपहर को 12 बजे बंद हो जाएगी, ठीक है। डिटेल आपको पता लग गई। आप ऑक्शन जो कराया जा रहा है वो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर्ड द्वारा कराया जा रहा है। ऑक्शन कहाँ पे होने वाला है? ऑक्शन होने वाला है दिल्ली के तुगलकाबाद पोर्ट में। मैं हर वीडियो में मैं मेंशन करता हूं शुरू में, फिर भी आप लोग नीचे कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं बता देता हूं कि दिल्ली के तुगलकाबाद पोर्ट, जो कि ओखला में है कंटेनर डिपो, वहां पे ये ऑक्शन होने वाला है 11 और 12 तारीख को। इसकी जो बिडिंग होगी वो होगी 13 तारीख को सुबह 11 बजे और दोपहर के 3 बजे खत्म हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इन ऑक्शन में पार्ट कैसे लेते हैं, क्योंकि जो लोग नए आते हैं वीडियोस को देखने के लिए वो मेरे से हमेशा पूछते हैं कि इस ऑक्शन में पार्ट कैसे लेते हैं। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ कि इन ऑक्शन, कस्टम ऑक्शन में और दूसरे जितने भी ऑक्शन होते हैं MSTC के थ्रू, उनमें पार्ट लेने के लिए आपको MSTC में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद आपका एक MSTC का ID और पासवर्ड जनरेट होता है। उसके साथ साथ इन ऑक्शंस में फिजिकली विजिट करने के लिए आपको एक MSTC का कार्ड भी मिलता है, जिसको दिखा के आप इन ऑक्शन में फिजिकली विजिट कर सकते हैं। बाद में जब उसकी बिडिंग होती है, तो उस बिडिंग में आप उस ID और पासवर्ड के थ्रू ऑनलाइन बिडिंग में पार्ट ले सकते हैं और अपनी बिडिंग कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई आइटम पसंद आता है इन ऑक्शंस में। ऑक्शंस जो है वो एयरपोर्ट में, मैं जो ऑक्शंस लाइव आप लोगों को दिखाता हूँ वो होता है एयरपोर्ट और कंटेनर डिपो का। इसके अलावा बहुत तरह के ऑक्शंस होते हैं, दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के, उन सब के ऑक्शंस होते हैं। वो सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, अगर आप लोग पहली बार आए तो मैं वीडियो आई बटन में डाल दूंगा कंप्लीट डिटेल, जिसमें मैंने बताया है कि किस किस तरह के ऑक्शंस होते हैं और क्या इन डेप्थ डिटेल है, तो इस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ऑक्शन में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहला कंटेनर जो मेरे को दिख रहा है वो है डैमेज टायर्स का, इसके पहले भी आ चुका था। रिस्ट्रिक्टेड है, DGFT का लाइसेंस चाहिए, इसी वजह से मेरे ख्याल ये कोई बोली नहीं लगा था। इसके बाद है US टायर्स का, US टायर्स भी रिस्ट्रिक्टेड है, सब्जेक्ट टू DGFT लाइसेंस, ठीक है, इसको ये इस बार भी नहीं जाने वाला। स्टील ड्रम्स आए हुए हैं इस बार ही फिर से, कॉटन मिक्स विद डर्ट, ये भी मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ। फुटवेयर स्लीपर रेगजिन, फुटवेयर का देखिए 60 बैग्स फुटवेयर्स के आए हुए हैं, पूरा का पूरा कंटेनर है। कंटेनर का जो डेट ऑफ अराइवल है 2015 का आया हुआ है कंटेनर, वेट जो है 7080 किलो इसका वेट है, 60 बैग्स ऑफ 100 पीसेस ईच फुटवेयर्स होने वाले हैं इसके अंदर। तो ये कंटेनर आप लिख सकते हैं, ये कंटेनर बहुत अच्छा होने वाला है इस बार। इसके अलावा स्टील वेयर असोर्टेड साइजेस के आए हुए हैं, कोएक्सिन केबल इससे पहले भी आए हुए थे फिर से आए हुए हैं। इसके बाद जो ये है पेपर रोल्स का, पेपर रोल्स के कंटेनर आए हुए हैं, असॉर्टेड साइज़ के पेपर रोल्स है, फिर से एक और पेपर रोल का कंटेनर असॉर्टेड साइज़। उसके बाद आपका स्टॉक लॉट आया हुआ है पेपर का, स्टॉक लॉट भी आप अगर पेपर वगैरह में डील कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा आइटम होने वाला है। पेपर रोल, फिर से पेपर रोल, एक और पेपर रोल, वाइट पेपर कोटिंग रोल, रैग्स, रैक्स के कंटेनर बहुत आते हैं, पहले बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते, आजकल पता नहीं, पहले के काफ़ी सारे रैक्स के कंटेनर पड़े हुए हैं। 2006 का कंटेनर, तो सोचिए कितना पुराना कंटेनर है, क्या हालत होने वाली है इसकी। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन लगा के फिर बिडिंग करनी होती है, अगर आप वो पोछा वोछा मैन्युफैक्चरिंग के काम में है तो रैक्स उन लोगों के काम ज़्यादा आता है। रफ मार्बल ब्लॉक, रफ मार्बल ब्लॉक का इसके पहले भी आया हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि रफ मार्बल ब्लॉक जो है इसकी प्रोसेसिंग होने के लिए किशनगढ़ जाता है, काफ़ी खर्चा आता है उसको प्रोसेस करने में, तो इस वजह से मे बी ये नहीं बिक रहा होगा। ओल्ड क्लोथ्स आए हुए हैं, स्टोन टाइल्स आए हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल फिनिश टाइल्स का कंटेनर है। डेट ऑफ अराइवल जो है इसकी 2005 की है, 14 पैलेट्स हैं टाइल के, ये मैं आप लोगों को लाइव भी दिखा दूंगा, 11 तारीख को होगा तो मैं उस वीडियो में आप लोगों को लाइव भी दिखा दूंगा कि क्या कंडीशन होने वाली है। ओल्ड क्लोथ्स आए हुए हैं, रफ मार्बल ब्लॉक आए हुए हैं, मार्बल ब्लॉक फिर से, ब्रेक शू पैड ओनली मेड ऑफ असॉर्ट एस्पेटोस, अच्छा ब्रेक शू पैड आए हुए हैं किसी गाड़ी के। डेट ऑफ अराइवल जो है इसका 2003 है, ठीक है, 1440 पैकेजेस हैं। वेट जो है कंटेनर का यह है 21 टन, 22 टन का है ऑलमोस्ट। तो इसके बाद शू इन डिग्रेडेड कंडीशन, शू इन डिग्रेडेड कंडीशन क्या ही करेगा लोग इस आइटम को ख़रीद के, तो शूज़ के अगर आप मैन्युफैक्चरर और इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं किसी तरह रिसाइकिलिंग में, तो ये आपके काम आने वाला है। ओल्ड क्लोथ्स आए हुए हैं फिर से, ओल्ड क्लोथ्स इन बेल्स, ओल्ड क्लोथ्स हैं, ओल्ड क्लोथ्स फिर से, ओल्ड क्लोथ्स
लॉट नंबर 28 भी ओल्ड क्लोथ, लॉट नंबर 29 भी ओल्ड क्लोथ, 30 भी ओल्ड क्लोथ, ठीक है। लॉट नंबर 31 में जो है ये है बाउल जग सेट, इससे पहले भी आया हुआ था, पता नहीं ये वाला है कि नया बाउल का जग सेट है। 2006 का कंटेनर है, वेट है इसका 8,350 किलो। पैकेजेस इन्होंने मेंशन नहीं किया क्योंकि लोगों को भी नहीं पता होगा कितने पैकेजेस हैं, कांच के हैं इन लोगों ने, इसलिए मे बी निकाल के भी नहीं गिने होंगे या मे बी इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। लॉट नंबर 32 में आपका आया हुआ है ब्रैकेट एंड हिंजेस, ये काफ़ी काम की चीज़ होने वाली है। अराइवल डेट है इसका 2019, बहुत नया कंटेनर है। आइटम है इसके अंदर ईच पैलेट 27 बॉक्स, क्वांटिटी 80 पीसेस पर बॉक्स, पैलेट नंबर 5 ईच। ये सारी डिटेल आपके पास, ये सारी डिटेल भी दिख रही है। ये जो लिस्ट है ऑक्शन की, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों को फर्दर इसको डिटेल में देखना है। तो ये फुटवेयर का कंटेनर एक और आया हुआ है लॉट नंबर 33 में, फुटवेयर का कंटेनर है, डेट ऑफ अराइवल है 2018, काफ़ी नया है। तो इस मेरे को लगता है कि ये वाला फुटवेयर का कंटेनर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप लोगों का फुटवेयर का काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, मैन्युफैक्चरिंग का या होलसेलिंग का, तो ये कंटेनर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इससे पहले भी मैंने कई सारे फुटवेयर के कंटेनर दिखाए थे, उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं आती। इससे पहले वाले लॉट में जो मैंने बताया उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सॉइल्ड कंडीशन में तो उसकी हालत थोड़ी ख़राब होती है। ये बिल्कुल नया कंटेनर है 2018 का, ज़्यादा पुराना नहीं है। 555 कार्टन है, वेट इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ है। तो ये कंटेनर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा जब लाइव ऑक्शन में जाऊँगा। तो इसके बाद लॉट नंबर 32 में प्लास्टिक मोबाइल कवर्स है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 275 पैकेजेस हैं, 5,590 किलो इसका वेट है, 2010 का कंटेनर है, तो काफ़ी पुराना है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। लॉट नंबर 35 में कुकर हुड्स हैं, डेट ऑफ अराइवल 2018, काफ़ी नया कंटेनर है। वेट है इसका 4,360 किलो, पैकेजेस हैं 257 पैकेजेस हैं इसके। कुकर हुड जो होते हैं कुकर के ऊपर लगते हैं वो है। पैकिंग मशीन एंड एक्सेसरीज, डेट ऑफ अराइवल है 2018, वेट है 51 टन, 4 पैलेट हैं। पैकिंग मशीन, अगर आप पैकिंग वैकिंग का काम करते हैं तो ये भी बहुत काम की चीज़ होने वाली। मशीनरी जनरली काम की चीज़ होती है क्योंकि पुरानी होती है, तो उसको थोड़ा बहुत ऑयलिंग वॉइलिंग करके आप चला सकते हैं। उसके बाद लॉट नंबर 37 में है आपका BSNL मॉडम, तो अगर आप लोग मॉडम वगैरह IT वगैरह का कुछ काम है, BSNL मॉडम, डेट ऑफ अराइवल क्या है 2011, बहुत पुराना BSNL का मॉडम है। तो ये मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में 5G 5G आ गए हैं, तो ये किसी का काम आने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके अगर आपके काम की चीज़ है। तो लॉट नंबर 33 में सोडियम थायोसल्फेट, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता मेरे को। उसके बाद लॉट नंबर 39 में ई रिक्शा इन CKD कंडीशन, डेट ऑफ अराइवल है 2004, ज़्यादा भी पुराना नहीं है। ई रिक्शा अभी भी इंडिया में चल रहा है, तो ई रिक्शा के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन चीज़ों को ले सकते हैं। इसके लिए एक सर्टिफिकेशन चाहिए आपको, ICAT का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ARAI ऑब्वियसली चाहिए होता है। ये आप जब भी ई रिक्शा के कुछ पार्ट इंपोर्ट करते हैं, ई रिक्शा SKD या CKD कंडीशन में इंपोर्ट करते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। लॉट नंबर 40 में भी ई रिक्शा के पार्ट्स हैं, लॉट नंबर 41 में भी ई रिक्शा के पार्ट्स हैं, लॉट नंबर 42 में भी ई रिक्शा के पार्ट्स हैं। कंप्लीट देखिए, ई रिक्शा इन कंप्लीटली कंप्लीट ई रिक्शा है और दूसरे पार्ट्स भी हैं उसके, तो पूरे पूरे ई रिक्शा आए हुए हैं। अगर आप लोगों के पास ICAT और ARAI का सर्टिफिकेशन है या अरेंज कर सकते हैं तो आप इन ई रिक्शा को ई रिक्शा के लिए बिडिंग कर सकते हैं। उसके बाद लॉट नंबर 43 में भी ई रिक्शा इन CKD कंडीशन, लॉट नंबर 44 में आपका आया हुआ है यूज्ड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, तो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स आए हुए हैं। डेट ऑफ अराइवल है आपका 2019, काफ़ी नया है। वेट है इसका 12 टन, 570 किलो, पैकेजेस लूज कंडीशन में है, ये भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल कंडीशन में क्या है। उसके बाद है आपका लॉट नंबर 45 ई रिक्शा इन कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन, ई रिक्शा का फिर से। लॉट नंबर 46 में भी ई रिक्शा, लॉट नंबर 47 में भी ई रिक्शा इन CKD कंडीशन यानी कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन, लॉट नंबर 48 में फिर से ई रिक्शा इन CKD कंडीशन यानी लॉक कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, लॉट नंबर 49 में भी ई रिक्शा इन CKD कंडीशन, डेट ऑफ अराइवल 2014, ज़्यादा पुराना नहीं, अभी भी चलता है। तो आप लोग अगर ई रिक्शा में डील करते हैं, मैन्युफैक्चर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिपेयर वगैरह काम करते हैं, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ होने वाली है। इसके बाद लॉट नंबर 40 में आपका ई रिक्शा इन CKD कंडीशन, फिर से लॉट नंबर 51 में ई रिक्शा इन CKD कंडीशन, लॉट नंबर 52 में भी ई रिक्शा इन CKD कंडीशन, लॉट नंबर 53 में भी, लॉट नंबर 53 में अलग चीज़ है, लॉट नंबर 53 में मेटल स्लैग्स एंड इम्प्योरिटीज़ फॉर रिसाइकलिंग पर्पसेस, अच्छा मेटल का कुछ आया हुआ है, मस्ट, इसका रिमार्क्स इन्होंने क्या आया हुआ है, मस्ट टू बी सोल्ड टू रिसाइकलर ओनली, प्लीज़ रिफर टू NGT एंड CPCB, अच्छा आपका प्रॉपर रिसाइकलर होना चाहिए, यानी उसके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेशन वगैरह होना चाहिए कि वो ऑथोराइज्ड रिसाइकलर है, जो जनरली होते हैं उनके पास, अगर वो ऑथराइज उनके पास प्लांट है रिसाइकलिंग करने का तो उनके पास ये सर्टिफिकेशन जनरली रहता है। तो अगर आप रिसाइकलिंग वगैरह का काम करते हैं तो कस्टम ऑक्शन में आप लोग आँख बंद करके पार्ट ले सकते हैं। ये जो रिसाइकलिंग वगैरह का काम करते हैं, स्क्रैप वगैरह का काम करते हैं, वो तो आँख बंद करके इस चीज़ में पार्ट ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे थ्रू पार्ट लेना है, हमारे थ्रू गाइडेंस लेना, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा, उस नंबर पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप आने वाले ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं, किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट 1 ईयर तक अगर आप हमारे थ्रू इस ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करते हैं। छोटी सी अमाउंट हम आपसे चार्ज करते हैं, उसके बदले में नेक्स्ट 1 ईयर के लिए फुल गाइडेंस रहती है हमारी टीम की तरफ से आपको।
तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉट नंबर 54 में आपका आया हुआ है BMW कार, ये बहुत पहले भी आया हुआ था। डेट ऑफ अराइवल 2014 का है, तो हालत ख़राब हो चुकी है BMW कार की। जो विंटेज वगैरह का शौक रखते हैं वो ही आके लेंगे इसको, विंटेज कार में ही काम आने वाली। 2004 का है, कंटेनर के अंदर धूप बारिश सारे के सारे 12 महीने इन्होंने देखे हुए हैं इतने सालों से। तो अगर आप विंटेज कार वगैरह का कलेक्शन करते हैं तो ये उसके लिए काम आने वाली है। रिमार्क्स RCCE IP सेकेंड ओनर। अच्छा, सेकेंड हैंड गाड़ी किसी ने मंगवा ली होगी, कोई बाहर देश में चलाता होगा, वो शिफ्ट हुआ होगा इंडिया में। जो जनरली लोग वर्क करते हैं बाहर देश में रह रहा होगा, इंडिया में शिफ्ट हुआ होगा, साथ में गाड़ी भी मंगा ली होगी। इंडिया में सेकेंड हैंड कुछ भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए क्यों ना हो। लॉट नंबर 55 में है, कंटेन एम्प्टी कार्टन वेस्ट पेपर। अच्छा, एम्प्टी कार्टन पैकिंग वगैरह का काम है, तो ये आप ले सकते हैं, 2012 का अराइवल है। लॉट नंबर 55 में आपका एम्प्टी कार्टन वेस्ट पेपर आया हुआ है। अगर आप कार्टन वगैरह पेपर वगैरह का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली। डेट ऑफ अराइवल है 2012, वेट है आपका 590 किलो, लूज कंडीशन में है। लॉट नंबर 56 लास्ट लॉट में आप लोगों का आया हुआ है वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर का काफ़ी टाइम से आ रहा है, घूम घूम के पता नहीं वही वाला आ रहा है कि दूसरा आ रहा है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता ना, मैं लिखता तो नहीं हूँ कहीं पे, तो मे भी हो सकता है कि बिडिंग वगैरह नहीं होती होगी, कोई नहीं लगाता होगा, या मे बी उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू को टच नहीं करता होगा, तो वो लोग नहीं छोड़ते होंगे इसको। डेट ऑफ अराइवल है 2007, वेट है आपका 12 टन 710 किलो, पैकेज है लूज, ठीक है, शुड बी सोल्ड टू रिसाइकलर ओनली, रिसाइकलर ही ले सकते हैं, मतलब रिसाइकलिंग कंडीशन में ही है, तो पेपर जो ये जो वेस्ट पेपर है ये सिर्फ रिसाइकलर ही ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी। इसके अलावा दोस्तों हम इस चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे बिजनेस वीडियोस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वीडियोस, कस्टम क्लियरेंस वीडियोस और पॉडकास्ट लाते रहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑक्शन में पार्ट लेने तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऑक्शन में, किसी लाइव ऑक्शन में या किसी ऐसी डिटेल में। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, चैनल पर बने रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।